नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, मैं हूं पेनाज। आज हम आपको दर्शन कराएंगे महादेव के कुछ अनोखे रूपों के। इन रूपों के दर्शन मात्र से पूरी हो जाएगी आपकी समस्त इच्छाएं। ये रूप अलबेले हैं, इनके दर्शन की राह भी आसान नहीं, लेकिन आज हम ये सभी रूप समेट कर लाए हैं खास आपके लिए। तो सबसे पहले चलते हैं गुजरात के बलसाड, जहां शिवलिंग का आकार गोल नहीं बल्कि चौकोर होता है और जहां महादेव विराजते हैं खुले आसमान के नीचे। हर हर महादेव की गूंज के साथ जब बहती है भक्ति की जलधारा, चढ़ते हैं आस्था के फूल और दीपक, तब एक हो जाते हैं भक्त और भगवान। महादेव में मन रमाए बैठे श्रद्धालुओं की भक्ति बिना किसी बाधा के सीधे बढ़ जाती है आसमान की ओर। फिर दिखता है भगवान और भक्त के मिलन का वो नजारा, जो न केवल दुर्लभ बल्कि बेहद अनोखा और दिलचस्प भी होता है। महादेव के मंदिर का ये अनोखा नजारा देखकर अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर भोलेनाथ का ये मंदिर क्यों अपने आप में अनोखा है। मंदिर के बीचों बीच स्थापित शिवलिंग, जिसके चारों ओर दीवारें तो हैं, लेकिन ऊपर ना तो कोई छत है और ना ही कोई गुंबद। यहाँ हर रोज 24 घंटे महादेव इसी तरह खुले आसमान से साक्षात्कार करते हैं, बातें करते हैं ऊपर बैठे अपने साथी देवताओं से और दूर करते हैं भक्तों का दुख दर्द। बिना किसी छत का ये शिव मंदिर अपने आप में अनोखा और देश भर में इकलौता मंदिर है। गुजरात के बलसाड में तड़केश्वर महादेव के नाम से मशहूर इस मंदिर पर छत बनवाने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन सब नाकाम रही। कहते हैं स्वयं महादेव खुले आसमान के नीचे वास करना चाहते थे, सर्दी गर्मी धूप बारिश को महसूस करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने भक्तों को सपने में दर्शन देकर शिवलिंग पर गुंबद बनाने से मना कर दिया। करीब 800 साल से पुराने तड़केश्वर महादेव मंदिर में शिव का रूप भी बहुत अनोखा है। यहाँ शिवलिंग का आकार गोल नहीं बल्कि शिला रूप में चौकोर है। कहते हैं यहाँ महादेव स्वयंभू है, जो मौसम के अनुसार रंग बदलते हैं। महादेव का ऐसा अनोखा रूप भक्तों को हैरान कर देता है। कहते हैं यहाँ आने वाले भक्तों को शिव कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। हर 3-4 महीने में उसका रंग अलग हो जाता है, हर साल में मतलब 3 बार उसका कलर चेंज होता है। आप अभी गर्मी के सीजन में आएगा तो उसका थोड़ा लाल होता है, अभी बारिश गिरे का उसका काला हो जाएगा, और शिवरात्रि के दिन आएगा उसको तो भूरा रंग हो जाएगा। और ऐसा शिवलिंग कहीं भी नहीं है, कच्चा पत्थर का है। बलसाड के अब्रामा में बने तड़केश्वर महादेव किसी की झोली खाली नहीं रहने देते, चाहे वे औलादों की झोली में संतान की खुशियां डाली हो या फिर कुंवारी लड़कियों की मनचाहे पति पाने की कामना। हर इच्छा शिव के दरबार में आकर पूरी हो जाती है। 20 साल से आ रहा हूँ और इसकी श्रद्धा ये है कि जो भी मनोकामना पूरी हो जाती है आदमी की, श्रद्धा से रखेंगे तो पूरी हो जाएगी मनोकामना। और ये जो छत है कभी खुला ही रहता है, कभी बंद रहता नहीं, और इधर अभिषेक में दूध पानी मत हर कोई चढ़ा दे, मैं भी श्रद्धा से चढ़ाता हूँ उधर और सेवा करने भी आता हूँ उधर। यही वजह है कि साल भर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। तड़केश्वर महादेव के दर्शन के लिए देश भर से भक्त आते हैं और बाबा के दर्शन के बाद ढोल मचीरों की धुन पर मगन हो झूम उठते हैं। संजय सिंह, वलसाड, आज तक। राजस्थान के माउंट आबू में महादेव अंगूठे के रूप में देते हैं भक्तों को दर्शन। एक सर्प के घमंड को तोड़ने के लिए ओगरधानी यहाँ प्रकट हुए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। कहते हैं इनके दर्शन मात्र से कट जाते हैं सारे दुख। अर्बुद सर्प को हुआ अहंकार, आबू पर्वत पर मचा दिया हाहाकार, करने चूर चूर उसका अहंकार, शिव ने दिखाया अंगूठे से चमत्कार और कहलाए अचलेश्वर महादेव।
कटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम व्यलंबितांगुजंग तुंग मालिका। हरे भरे पर्वतों के बीच बना अचलेश्वर महादेव का मंदिर हर रोज पौ फटने के साथ ही भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए यहाँ खिंचे चले आते हैं, उनके चमत्कारी रूप को जी भर के निहारने के लिए। जटा कटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी विलोल वीच वल्लरे विराजमान मूर्धनि। बच्चे हो या फिर बड़े, हर सभी यहाँ आंखें बंद कर लीन हो जाते हैं शिव की भक्ति में। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ किसी शिवलिंग की नहीं बल्कि महादेव के अंगूठे के निशान की पूजा की जाती है। शिव शिव शंभो हर हर शंभो शिव शिव शंभो हर हर शंभो। लेकिन ये छाप यहाँ कैसे और कब आई ये जानने के लिए चलना होगा हजारों साल पीछे, जब आबू पर्वत की तलहटी में मुनि वशिष्ठ का आश्रम हुआ करता था। हरे भरे पर्वतों और जंगलों के बीच बसे इस आश्रम में वशिष्ठ ने कामधेनु गाय पाली हुई थी, जो आश्रम की चोटी पर बने चारागाह में चरने आया करती थी। उसी चोटी पर एक विशाल खाई भी थी जिसमें अक्सर गिरकर पशुओं की जान चली जाती थी। कहते हैं एक बार नंदिनी यहाँ चरने के लिए आई और इस खाई में गिर गई। नंदिनी की पुकार जब मुनि वशिष्ठ के कानों तक पहुंची तो वो व्याकुल होकर दौड़ी चले आए खाई की तरफ। नंदिनी को खाई से निकालने की बहुत कोशिशें की गई लेकिन खाई इतनी गहरी थी कि हर कोशिश असफल रही। तब वशिष्ठ ने महादेव का आवाहन किया और नंदिनी को बचाने की गुहार लगाई। भक्त की पुकार ने शिव को व्यथित कर दिया। उन्होंने तुरंत अपने वाहन नंदीश्वर को बुलाया, अर्बुद सर्प की पीठ पर बैठकर खाई को पाटने का निर्देश दिया। कहते हैं नंदीश्वर ने खाई को पाटकर नंदिनी को बाहर निकाल दिया। ये चमत्कार तो शिव का था लेकिन इसने अर्बुद को अहंकारी बना दिया। अर्बुद के मन में घमंड आ गया, उसे लगा कि उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई और है ही नहीं। वो घमंड में झूमने लगा। कहते हैं उसके झूमने से पूरा पर्वतीय क्षेत्र हिलने लगा। आबू पर्वत पर तो जैसे भूचाल आ गया, पर्वत के अस्थिर होने से हर तरफ हाहाकार मच गया। तब शिव ने अपने बाएं पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाकर उसे स्थिर कर दिया। अब अर्बुद सर्प का घमंड मिट्टी में मिल चुका था। वो समझ चुका था कि ये तो औघड़दानी की लीला थी जिस पर वो अहंकार कर रहा था, और तभी से महादेव को इस इलाके में अचलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। माउंट आबू में आज भी शिव के अंगूठे के निशान देखे जा सकते हैं। खड्डे नुमा इस जगह के बारे में कहा जाता है कि इसमें चाहे जितना पानी डाल दिया जाए लेकिन ये कभी नहीं भरती। शिव के इस चमत्कारी अंगूठे को देखने के लिए देश के कोने कोने से भक्त आते हैं। यहाँ भक्त शिवलिंग की नहीं बल्कि महादेव के अंगूठे की पूजा करते हैं और शिव के इस अनोखे रूप के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। राहुल त्रिपाठी, सिरोही, आज तक। कंकाल रूप में शिव जी, ये बात आपको हैरान जरूर करेगी लेकिन मुक्तेश्वर में शिव विराजते हैं अपने मुक्त रूप में। कहते हैं यहाँ कोने कोने में बसे हैं शिव, और जिसने भी शिव के इस रूप के दर्शन कर लिए उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होते देर नहीं लगती। जहाँ निवास करते हैं देवता, जहाँ मिलती है कष्ट से मुक्ति, जहाँ कंकाल रूप में है शिव, और जहाँ शिव में समाई पार्वती। मुक्तेश्वर कुमाऊं मंडल का प्रमुख तीर्थ। कहते हैं यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, फिर चाहे वो मुक्ति की कामना हो
या फिर सुख शांति और धन धान्य की कामना। और हो भी क्यों ना, यहाँ शिव जो विराजमान है और वो भी अपने मुक्त रूप में। कहते हैं भोलेनाथ के शरीर के अलग अलग हिस्से पूरे मुक्तेश्वर में फैले हुए थे। उनके मुक्त रूप को देखते हुए इस जगह का नाम पड़ा मुक्तेश्वर। शिव के मुक्त रूप को भक्त कंकालेश्वर रूप के नाम से भी जानते हैं। यहाँ बने शिव मंदिर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आज से 200 साल पहले यहाँ मोतेसर नाम के एक व्यक्ति ने मुक्तेश्वर के पहाड़ों पर एक दिव्य ज्योति देखी और इसके बाद उसे महादेव ने साक्षात दर्शन दिए। मोतेसर ने तभी यहाँ मंदिर बनाने का निश्चय कर लिया। इस वक्त मैं समुद्र तल से 7500 फीट की ऊंचाई पर खड़ा हूँ। हिमालय की इन पहाड़ियों में लिंगाकार पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती का मंदिर है। यह जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है क्योंकि यहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान हुए थे। यही वजह है कि इस मंदिर में आने वाले भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। भगवान शिव यहाँ कंकालेश्वर लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। इस जागृत शिवलिंग के साथ ही माँ पार्वती की एक प्रतिमा भी स्थापित है और अगर इनकी कृपा मिल जाए तो न सिर्फ धन धान्य बल्कि निसंतान दंपतियों की गोद भी भर जाती है। जी हाँ, इस मंदिर की मान्यता ये है कि चाहे कैसा भी संतान दोष क्यों न हो, यहाँ आकर हर वो इंसान पूरी तरह से उस दोष से मुक्त हो जाता है। यही है मुक्तेश्वर की महिमा। और क्या है यश पाने का मंत्र बताएंगे बिरला मंदिर के प्रमुख आचार्य रविंद्र नागर जी। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र नारायण मंत्र, इसका प्रयोग करते हैं यश प्राप्ति के लिए। कई बार ऐसा होता है आप बहुत काम करते हैं, हम लोग बहुत कार्य करते हैं लेकिन यश नहीं मिलता, नाम ठीक नहीं मिलता, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। इसका यश भी मिले, नाम अच्छा मिले, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। पहले मैं मंत्र बताता हूँ, फिर इसकी विधि निवेदन करूंगा। मंत्र है, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इस मंत्र को बहुत शांत भाव से उत्तर की ओर मुख करके संध्या के समय, शाम का समय होता है 5 से 7 बजे के समय के बीच को संध्या समय कहते हैं, शाम के समय बैठ जाएं, उत्तर को मुख करके बहुत शांत भाव से 7 दिन तक लगातार, प्रत्येक दिन 7 दिन तक 3 बार इसका जप करें, उच्चारण करें बहुत शांत भाव से, तो आप देखेंगे आपका जो कार्य आप करते हैं उस कार्य में यश भी आपको मिलेगा, अच्छा नाम भी मिलेगा। मैं एक मंत्र बार पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इस मंत्र का बहुत शांत भाव से उच्चारण करें और हम कामना करते हैं कि आपको यश मिले। मित्रों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नई जिज्ञासाओं और जानकारियों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, आज इतना ही।